जनपद में साइबर अपराध से बचाव को लेकर पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह के नेतृत्व में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बरगदवा के यूएस एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जागरूक करने का कार्य किया गया। वहीं उन्हें बताया भी गया कि मोबाइल और लैपटॉप के इस्तेमाल के दौरान किस प्रकार से साइबर अपराधियों से बचाव किया जा सकता है और समय रहते साइबर अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। साथ ही साइबर अपराधियों द्वारा किए गए अपराध की तत्काल जानकारी साइबर सेल को देने की अपील भी की गई, जिससे समय रहते साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। गूगल का एक अलग से आपकी बूस्टअप फोन की स्पीड को बूस्टअप करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर जो है पैकेट में चालू हो जाता है, होता है ना। तो बेसिकली आपका पूरा जो है सैसे मेमोरी को कवर करता है। तो आप जिस मेथड से आप पेमेंट करते हैं उसको ऑलरेडी सेव कर देता है। एक बार सेव कर लिया उसके बाद जब बच्चे जो भी गेम खेलते हैं तो उनको क्या दिखता है कि पॉपअप होता है एड क्वाइन एड क्वाइन। आप जैसे करते हैं तो उसमें फिर दोबारा ओटीपी वगैरह आपको जाने की जरूरत नहीं, ऑटो पेमेंट वो कर लेता है बैकेंड में। तो लड़का करता क्या था कि वो बस क्वाइन खरीदता था, तो जब क्वाइन खरीदता था तो उसको पेमेंट करने की जरूरत पड़ती नहीं थी, उसको लगता था सब कुछ फ्री में एड। अपने टारगेट को बहुत ही भली भांति जानता है, जैसे टाइगर होता है लायन होते हैं वो जब शिकार करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से पैरवी करते हैं कि हमारा शिकारी कहाँ जाता है, कितने देर रुका, जानते हो ना तुम लोग। उसका जो टारगेट होता है जो प्रोड्यूसर होता है वो बहुत अच्छी तरह से आपके प्रोफाइल को रीड करेगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह ने बताया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के मोबाइल के युग में हमारी पूरी लाइफ सोशल एंड इकोनॉमिक वो पूरा मोबाइल तक सिमट के रह गई है। तो जो क्राइम है उसका भी डायमेंशन चेंज हो गया है, वो भी मोबाइल और ऑनलाइन हो गया है। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों की आइडेंटिटी हैक हो रही है और लोगों की फ़ोटोज़ अश्लील वीडियोज़ फ़ोटोज़ वो डाले जा रहे हैं। इसी संबंध में जो स्कूलों के छात्र छात्राएं हैं उनको साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया जा रहा है, उनको उसके हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया जा रहा है और किस तरह वो सोशल मीडिया को एक्सेस करते वक्त अपना